Hi everyone, section 84 of IPC talks about insanity as a general defense. Insanity ki jab hum plea lete hain general defense ka tab ye sara let down hota hai another to one bahut important concept of mens rea. Kehte hain because of insanity accused ko criminal intent ya criminal knowledge missing tha usme. और देयरफॉर वो रिक्वायर्ड मेंस रिया एब्सेंट था. सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी इंसैनिटी का जनरल डिफेंस है. ये इज बेस्ड ऑन दिस सिंपल मैक्सिम. ये हम लोगों ने डिस्कस करा था जब वी डिस्कस्ड अबाउट मेंस रिया. एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसि मेंस रिया. दैट मींस एन एक्ट डज नॉट मेक अ डिफेंडेंट गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड. So, guilty conduct plus guilty mind is an offence under Indian Penal Code or criminal law. Insanity ke plea mein section 84 mein mens rea guilty mind absent hota hai. Ye sara plea section 84 ka history ye let down hota hai from the very famous or perhaps infamous Manhattan case se. So in 1843 ये मैनहट्टन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने प्ली किया गया था. एंड फैक्ट्स ऐसा था दैट दिस वन पर्सन एक्स है. एक्स इंसैनिटी से सफर कर रहा है. एक्स थिंक्स एक्स को ऐसा लगा कि एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन उन्होंने एक्स को कुछ इंजरी पहुंचाई है. तो एक्स को मारना था. एक्स का एम था मर्डर करना है प्राइम मिनिस्टर को. बट डिल्यूजन के चलते ही मर्डर्स सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील. उस समय वो सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के. एक्स ने मर्डर किया सर रॉबर्ट पील को. बट उसको मारना था प्राइम मिनिस्टर को. देन अक्यूज्ड प्ली लेता है इनसैनिटी का. और ये बहुत ही फेमस मैनहट्टन केस आया. ये इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा. एक लीडर्स ब्लॉग पे हमारे पब्लिश्ड है. यू कैन गो एंड चेक दिस ऑन एक लीडर्स ब्लॉग एंड रीड मोर अबाउट इट. बट उसका क्रक्स निकलता है ये चार प्रिंसिपल्स ऑफ द फेमस मैनहट्टन रूल जिसको हम कहते हैं. सो फर्स्ट इज गोज ऑल आर प्रिज्यूम्ड टू बी सेन एंड टू हैव इनफ रीजन अंटिल प्रूवन कॉन्ट्ररी. एवरी पर्सन हर एक पर्सन को प्रिज्यूम किया जाता है. ये पहले से समझा जाता है कि वो दिमागी रूप से बैलेंस्ड है, सेन है, कोई बीमारी नहीं है उसको. सेकेंड इट मस्ट बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी दैट एट द टाइम ऑफ द एक्ट द अक्यूज्ड वाज वर्किंग अंडर सच अ डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम मेंटल इलनेस. ये कहता है कि इंसैनिटी के प्ली को लेने के टाइम 84 जब ट्रिगर करोगे आप उसके टाइम आपको ये एस्टैब्लिश करना होगा. ये फैक्ट आपको ये एस्टैब्लिश करना होगा एट दैट टाइम जब क्राइम कमिट हुआ, जब एक्ट कमिट हुआ, तो एक्यूज्ड उस इंसैनिटी के ऑरा में था. उस इंसैनिटी के जिसको कहते हैं उसका दिमाग उस समय अनसाउंड था, इनसेन था अंडर सेक्शन 84. पहला दो हो गया. पहला एक प्रिजम्पशन होती है कि सबका दिमाग सेन है. सेकंड आपको ये एक्यूज्ड को प्रूव करना है एट द टाइम जब एक्ट कमेंस हुआ था तब एक्यूज्ड इनसेन था और इंसैनिटी से सफर कर रहा था. थर्ड ही डिड नॉट नो द नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ द एक्ट ही वाज डूइंग. Accused को पता नहीं था जो एक्ट वो कमिट कर रहा है उसका नेचर क्या है या क्वालिटी क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. Accused को ये पता नहीं था. पॉइंट नंबर फोर्थ. Accused को ये पता नहीं था. He did not know, he did not had the knowledge कि वो एक्ट जो कमिट कर रहा है he was doing the act was wrong legally. एक रॉन्ग है, लीगल रॉन्ग है, ये उसको पता नहीं था.
ये चार रूल्स मैनहट्टन रूल्स में इंटरप्रेट किए गए। सेक्शन 84 हमारे आईपीसी में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैनहट्टन रूल, क्योंकि अब जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडियन पिनल कोड, तब हम लोगों ने देखा कि 1843 के अराउंड ड्राफ्ट बन के रेडी था, तब तक ये सारे केसेस हो चुके थे जो मैक्यूले ने बहुत इम्पोर्टेंटली लेट डाउन किया था सेक्शन 84 में ये रूल। लेट अस स्टडी 84 कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट। देखो, एक पर्सन जब एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ doing of the act, at the time of doing of the act, so he because of unsoundness of mind, insanity word use nahi hai, main aapko explicitly batata hu yahan par 84 mein insanity term used hi nahi hai, kyunki Indian social context mein insanity ek negative connotation ke sath put forth ki jati hai, आज से नहीं since the time of Indian Penal Code, तो आप समझो insanity की जगह unsoundness of mind use किया गया, and both are synonymous, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो अब आता है कि a person who at the time of doing an act by reason of unsoundness of mind is either पहला incapable of knowing the nature of the act, उसको पता नहीं है कि एक्ट का नेचर क्या है, सेकंड उसको ये पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि व्हाटएवर ही इज डूइंग इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे दो चीजें यूज हुई हैं, एक है रॉन्ग, दूसरा कॉन्ट्रेरी टू लॉ। रॉन्ग का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये रॉन्ग लीगल रॉन्ग होता वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशनड है कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ये रॉन्ग का मतलब मॉरल टर्प्यूड है, आप इसको ऐसा समझना, ये रॉन्ग मैं आपको बेराक्ट पे ले चलता हूं, सेक्शन 4 है, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग फॉर कॉन्ट्ररी टू लॉ। यहाँ रॉन्ग का मतलब मॉरल रॉन्ग है और इस वाले कॉन्ट्ररी टू लॉ का मतलब एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल। तो ये है सेक्शन 84 विच टॉक्स अबाउट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और जिसको आप इंसैनिटी और मेंटल अबनॉर्मैलिटी कहते हो, डिफेंस है जनरल एक्सेप्शन का, नथिंग इज एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अब ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंसैनिटी, अगर मान लो एक कोई बंदा है विच हु इज वो पार्टली सेन रहता है पार्टली इनसेन रहता है, और जब वो एक्ट कमिट रहता है एक्ट कमिट करने के टाइम वो सेन है, दिमाग उसका अच्छे से चल रहा है, अनसाउंड नहीं है, तो 84 ट्रिगर नहीं हो सकता है। बट वही जब एक्ट ट्रिगर हो रहे हैं तब वो इनसेन है, तब 84 ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड देन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और टू अंडरस्टैंड एंड टू नो दैट ही इज डूइंग इज ईदर wrong or contrary to law. अब unsoundness of mind का मतलब क्या है? ये दो important points है। एक ऐसा state है जहां पे accused ये समझ नहीं पा रहा है कि वो काम क्या कर रहा है। जैसे मैं बोलूंगी एक accused एक insane person, वो चाकू लेके road पे निकल गया है, उसको ये पता नहीं है या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि जो एक्ट वो कर रहा है उसका नेचर क्या है। सेकंड दैट ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग दैट ही इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, वो इनकेपेबल है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो एक्ट जो कमिट कर रहा है वो मॉरली करेक्ट है या इनकरेक्ट है और लॉ के अगेंस्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस लॉ है अमृत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो हियर वी हैव, हाँ
जेम्स स्टीफन को कोट किया गया है इस केस लॉ में. ही इज अ वेरी फेमस इंग्लिश कॉमन लॉ जूरिस्ट. ही सेज कि एक इडियट है. मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताऊंगा. ये है, एन इडियट हु कट्स ऑफ द हेड ऑफ अ मैन whom he found sleeping because he explained it would be such a fun to watch him looking about for his head when he awoke. Ek idiot hai. Idiot is a person who is incapable of understanding the nature of the act right from the very birth. Kahi hote hain jinko born defect hota hai, unsoundness of mind ka, to unko idiot kaha jata hai लीगल टर्मिनोलॉजी में. तो एक इडियट है, वो एक बंदे का सर काटता है और उसकी बॉडी के सामने रख देता है और बहुत खुश होता है कि बहुत मजा आएगा ये देखने में, इट बी रियली फन टू वॉच. जब उसका सर उठेगा और वो अपने बॉडी को सोता हुआ देखेगा, तो ये एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या होता है, ये एक इसकी डेफिनेशन इस सर स्टीफन जेम्स स्टीफन ने ले डाउन करी थी, जिसको अमृत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोट किया गया था. साइटेशन है इसकी AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 608. एक और इंटरेस्टिंग केस लॉ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस उमेश कृष्णा पवार की, और मैं अपने रीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज गो आउट एंड रीड द समरी ऑफ दिस केस समवेयर. आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है. और फिर कॉमेंट बॉक्स में आप डालो कि इसका रेशियो क्या था, so that एक इंटरक्टिव डिस्कशन शुरू हो बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स. मैं आपको इसका मैं आपको साइटेशन दे देता हूँ. साइटेशन है 1994 क्रिमिनल लॉ जर्नल 774 बॉम्बे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस उमेश कृष्णा पवार. अब सीआरपीसी चैप्टर 25 स्पेसिफिकली डील करता है कि इनसेन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड प्रोसीजरल इंट्रिकेसीज कैसे फॉरवर्ड होंगी, डील करी जाएंगी. तो वो सीआरपीसी चैप्टर 25 में डील किया हुआ है. एंड ये हमारी ब्लॉग है ऑन आई लीडर्स व्हिच डील्स विद दिस. तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड स्टडी दिस ब्लॉग. ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन हम लोगों ने करी है दैट इंसैनिटी एज अ डिफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड. आपको सारे आपके नोट्स भी मिल जाएंगे इस वाले ब्लॉग में. सो आई होप दिस हेल्प यू आउट.